जिला डोडा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत काश्तीगढ़, भागवा और अन्य क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के कारण एक अच्छा सड़क नेटवर्क बन गया है, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं कुछ साल पहले शुरू हुई डोडा जिला मुख्यालय से काश्तीगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क अब मुकम्मल होने को है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जिले के अन्य हिस्सों के साथ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू किया गया है। सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग होने से लोगों में खुशी की लहर है। वहीं डीसी डोडा डॉक्टर सागर डीडाई फोर्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक उपयोगी परियोजना साबित हुई है, जिसके तहत जिले के भीतर 100% ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। कोरोना वायरस का प्रकोप जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक दम तोड़ रहा है। वहीं इस महामारी को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। वहीं जिला पुंछ के सीएमओ डॉक्टर गुलाम मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कैंप जगह जगह लगे हैं। जिस किसी को भी खांसी बुखार के लक्षण महसूस होते हैं, वो हमारे कैंप या अस्पताल में आकर टेस्ट करवा सकता है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट ने आज विरोध प्रदर्शन। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ल्ड फूड डे है और ऐसे में राशन डिपो वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में राशन डिपो में चावल का रेट लिस्ट नहीं है और पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट हमें और गरीब जनता को किस रेट पर चावल मुहैया करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर जगह अपनी अपनी मर्जी के रेट चल रही है। हर राशन डिपो में गवर्नमेंट रेट लिस्ट होनी चाहिए और डिजिटल मशीन होनी चाहिए ताकि चोरी रोकी जा सके। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर के हरमन डांस इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भांगड़ा के अंतर्गत एक रोजा फ्री डांस वर्कशॉप का आयोजन एक्सियोस फिटनेस क्लब अखनूर के प्रधान तेजिंदर सिंह की देखरेख में कराई गई। इस दौरान भांगड़ा एक्सपर्ट गुरविंदर कौर द्वारा भांगड़ा स्टेप्स भी बच्चों को सिखाए गए। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जो 8 नवंबर को मुकम्मल होगा। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा थे। वहीं मोहन सिंह जम्वाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जम्मू में आज नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग कुकार डिक्लेरेशन का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। हर्षदेव सिंह ने कहा कि हम इसे सिरे से नकारते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि कश्मीर के मामले का हल सेपरेटली करें और कश्मीर के गुनाहों की सजा जम्मू को देना बंद करें। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को सजा किस बात की दी जा रही है। जम्मू में आज एबीवीपी के विद्यार्थियों द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जम्मू प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग रखी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को एडमिशन देनी चाहिए। यहां 80% अंकों के पास स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रही है। अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी गयी तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जम्मू में पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजेस द्वारा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें पक्का किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जम्मू में नवरात्रों का कल यानी 17 अक्टूबर से शुभारंभ हो रहा है। वहीं इस बार बावेवाली माता के बाजार सुनसान से नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रसाद और चुनरी चढ़ाने पर पाबंदी के कारण दुकानदारों के कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए अनुरोध किया कि इसका निर्णय तुरंत लिया जाए। इतिहास में पहली बार सांबा के ऐतिहासिक व प्रसिद्ध मंदिर चीची माता का मंदिर के द्वार इस बार नवरात्रों को बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक संस्थान बंद थे, लेकिन अनलॉक 5 के तहत छोटे बड़े धार्मिक संस्थान अब खुल गए हैं। देश भर में धार्मिक स्थलों को खोलने के बाद भी ये मंदिर नहीं खुला। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि पिछले 7 महीने से ये मंदिर बंद है, लेकिन सांबा प्रशासन द्वारा चीची माता मंदिर को खोलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, उसी के चलते हम नहीं खोल सकते।
उन्होंने बताया कि हर साल जिला प्रशासन द्वारा यहां सुरक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य इंतजाम कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर घाटी के जिला बडगाम के चदोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। आगे की पूछताछ जारी है। जिला रियासी के पुलिस स्टेशन अरनास को विश्वसनीय सूत्रों से एक सूचना मिली कि हैदर गली तहसील अरनास में एक मेडिकल स्टोर जिसका मालिक आशीष कुमार है, वो साइकोट्रोपिक दवाइयों को अवैध रूप से इलाके के युवाओं को बेच रहा है। सूचना मिलते ही अरनास पुलिस स्टेशन की पार्टी मौके पर पहुंची और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ड्रामोडोल की 3000 कैप्सूल और गोलियां दुकान से जब्त की गयी। वहीं आशीष के बताने पर एक और अभियुक्त रविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो आशीष को 4000 कैप्सूल सप्लाई करने आ रहा था। वहीं उसकी कार की तलाशी के दौरान 150,000 की नकदी भी बरामद की गई। ये सारी कार्रवाई SSP रियासी रश्मि वजीर की देखरेख में की गई। ये सारा ऑपरेशन इंचार्ज SHO SI कासिम द्वारा उच्च पुलिस अधिकारियों की देखरेख में किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी से अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग कुछ दिनों से उनके संपर्क में थे, वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आतंकियों के 6 कट्टर सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जो राजमार्ग पर हमलों में शामिल थे। इनके पास से पुलिस ने 3 वाहन, 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए, जिनको वो उग्रवादियों के लिए इस्तेमाल करते थे।